गाजा में तबाही मचाने वाले इसराइल पर अब घर में घुसकर हमला होने लगा है। राजधानी तेल अवीव पर हाल ही में हूतियों के ड्रोन हमले ने इसराइल की सुरक्षा में बड़ी खामियों को उजागर किया है। यह हमला इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए गंभीर चुनौती बनकर सामने आया है। इसे इजरायली सुरक्षा ने बहुत बड़ी चूक के तौर पर देखा जा रहा है। इस हमले से अमेरिका भी सकते में आ गया है। दरअसल ये ड्रोन जिस इमारत पर कहर बनकर टूटा है वहां से अमेरिका का दूतावास बेहद करीबी था। माना तो ये भी जा रहा है कि इजरायली राजधानी में अमेरिकी दूतावास को निशाना बनाकर ड्रोन हमला किया गया। ऐसे में इस बात से गुरेज नहीं किया जा सकता है कि इस हमले से अमेरिका के भी कान खड़े हो गए हैं। इस पर अमेरिकी विदेश विभाग का भी बयान आया है जिसमें कहा गया है कि तेल अवीव में ड्रोन का हमला हूती लड़ाकों ने किया था। यह हमला अमेरिकी दूतावास के पास हुआ था। इस हमले पर इजरायली सैन्य प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हगारी ने कहा, इसराइल के डिफेंस सिस्टम ने साफ तौर से ड्रोन को पकड़ लिया था मगर वह इसे खतरे के रूप में दर्ज करने में विफल साबित रहे। इसराइल के भारी भरकम और एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम के बावजूद नागरिकों को हमले की चेतावनी देने के लिए कोई एयर अटैक सायरन एक्टिव नहीं हुआ था। हम जांच कर रहे हैं कि हमने इसकी पहचान क्यों नहीं की, इस पर हमला क्यों नहीं किया और इसे रोका क्यों नहीं। מכיוון הים ממערב ששוגר להערכתנו מתימן ופגע בבניין במרכז תל אביב. בעקבות הפגיעה נהרג אזרח ושמונה אזרחים נפצעו באורח קל. हालांकि इस हमले पर इजरायल बलों ने जो बड़ा दावा किया है वह है हूती विद्रोहियों से दावों का काफी अलग है। दरअसल हूती प्रवक्ता नसरुद्दीन आमिर ने तेल अवीव पर हुए हमलों पर बताया कि जाफा नामक ड्रोन पूरी तरह से यमन में बनाया गया था। इसका इस्तेमाल पहले डायरेक्ट ऑपरेशन के मकसद के लिए नहीं किया जाता था। हालांकि अब इसमें ऐसी तकनीक को शामिल किया गया है कि ड्रोन का पता लगाना बेहद मुश्किल हो जाता है। ये घातक ड्रोन अपने लक्ष्य को भेद कर ही अपना पूरा अभियान करता है। ये मामला गाजा में फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ नरसंहार में वृद्धि की प्रक्रिया था। हूती अपने हमले तभी रोकेंगे जब गाजा में युद्ध समाप्त हो जाएगा, साथ ही जब इसराइल सारी नाकाबंदी हटा लेगा। तेल अवीव पर हमले को अंजाम देने के फैसले में ईरान शामिल नहीं था। हालांकि हमले के बाद हूती विद्रोहियों ने ईरान को इसकी जानकारी दी थी। हूती लड़ाकों के खुलासे पर इसराइल ने दावा किया कि हूतियों ने जिस ड्रोन से हमला किया था वो ड्रोन एक ईरानी मॉडल समद 3 था जिसे लंबी दूरी की उड़ान के लिए ही खासतौर से डिजाइन किया गया। ובמערכות הצבאיות עולה כמדובר בכלי טייס בלתי מאויש מדגם צימד 3. להערכתנו הוא הגיע מתימן עד לתל אביב. צימד 3 הוא אמצעי לחימה איראני שעבר ככל הנראה שדרוג להערכת הטווח של הטיסה. איראן תומכת, מממנת ומחמשת את שלוחותיה באזור מעזה, יהודה ושומרון, לבנון, סוריה ועד תימן, כפי שקרה הלילה. हालांकि इजरायली बलों ने माना कि 18 अक्टूबर 2024 की आधी रात का हमला पहली दफा है कि हूती समूह ने तेल अवीव पर किया। IDF के मुताबिक अब तक अकेले यमन से दर्जनों मानव रहित विमान लॉन्च किए गए हैं, उनमें से अधिकांश को रास्ते में या उनसे पहले ही रोक लिया गया और मार गिराया गया। עד כה שוגרו רק מתימן עשרות רבות של כתב"מים, רובם יורטו או הופלו כשהיו בדרכם או לפני שחדרו לעבר שטח מדינת ישראל. רובם יורטו על ידי כוח משימה אמריקאי בפיקוד סנטקום, פיקוד המרכז האמריקאי, והשאר יורטו על ידי מטוסים או מערכות הגנה של חיל האוויר. במקביל לאירוע בתל אביב, באותו הזמן סמוך, פחות או יותר בדיוק, הפלנו כלי טייס בלתי מאויש נוסף שחדר, ניסה לחדור מכיוון מזרח, הפלנו אותו מחוץ לגבולות מדינת ישראל. אנחנו בודקים את הקשר בין שני האירועים. बता दें कि जिस इलाके पर हूतियों के ड्रोन ने हमला किया वह साइट कई होटलों के करीब है जिसमें लेबनान इसराइल के उत्तरी बॉर्डर से विस्थापित लोगों को ठहराया गया है। साथ ही हमले की जगह के करीब ही अमेरिकी दूतावास का दफ्तर भी है। खास बात है कि गाजा से सिर्फ 80 किलोमीटर दूर होने के बावजूद तेल अवीव 7 अक्टूबर 2023 के हमलों के बाद से लगभग अछूता रहा है। ऐसे में हालिया हमलों ने फिर से संघर्ष को तेज करने की आशंकाओं को बल दिया है। क्रिस्टस, ते विदिस्तो एता को।